नंदिनी पुलिस आई है, वो मेरा प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर अपलोड हुआ था ना, पुलिस उसी के बारे में चेक करने आई है। ये कह रहे हैं कि वो प्रोफाइल यहीं से अपलोड हुआ है। तू कुछ जानती है उस बारे में बेटा? एक्चुअली मैंने ही प्रोफाइल बनाई थी और मैट्रिमोनियल साइट पर भी मैंने ही डाला था। नंदिनी तूने क्या, तुझे क्यों मिला अपनी माँ को इस उम्र में शर्मिंदा करके, बोल। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा शादी करें और दोबारा हैप्पी मैरिड लाइफ जिए। अरे निर्लज बेहाया, क्या बकरी है, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अपनी माँ की शादी करवाना चाहती है? अरे बेशरम, ये तो सोच कि समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, सब क्या कहेंगे। समझ गई मैं सब समझ गई, तेरा किया धरा हुआ है, तेरी पढ़ाई बोली बोली है, तेरी बेटी दादी। हे भगवान, इसे पहले मैं मरी क्यों नहीं गई, ये क्या? अम्मा दादी, दादी मम्मा ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मा की फिर से शादी हो, वो खुश रहे। तू एकदम चुप हो जा, अभी के अभी जाकर ये बकवास डिलीट कर। मम्मा सुन रही कि नहीं, डिलीट कर। मेरी बेटी की वजह से जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बच्ची है ना, पता नहीं है उसे वो क्या चाहती है। मैं पुलिस स्टेशन आकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लूँगी। आप लोगों ने मेरी जो भी मदद की उसके लिए थैंक यू। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए अपना, हम चलते हैं। चल संतू। तो ये दो तीन डिज़ाइन है कार्ड्स के लिए, हमें ना ये वाला बहुत पसंद है, एकदम सिंपल सोबर और कुछ ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं। आपको कैसा लगा? अच्छा है। हाँ हमें भी यही अच्छा लगा। पता है हमने ना अम्मी से कहा था कि सिर्फ सगाई के लिए इस तरह का कार्ड वगैरह की तकल्लुफ करने की क्या ज़रूरत है, पर आप तो अम्मी को जानते हैं ना, जो सोच लेती है वो करके रहती है। वैसे इसमें कलर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, गोल्डन है, सिल्वर है, पर हमें तो अभी यही अच्छा लग रहा है। जो आपको ठीक लगे हसीना जी। आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक है, हमें क्या हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है हसीना जी। नहीं पिछले कई दिनों से आप खोए खोए से, लॉस्ट, किसी और ही दुनिया में लग रहे हैं, इसलिए हमने पूछा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है ना कि एक ही प्रोफेशन में होने का ये नुकसान तो है, हम दोनों पुलिस वाले, हम दोनों जो है सच को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए हम दोनों चाहकर भी कभी एक दूसरे से झूठ नहीं कह पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस वाले भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो। तो आप क्या करेंगे, हमारा लाइट डिटेक्टर टेस्ट? नहीं उसकी जरूरत आपको है, हम तो खुद चलते फिरते लाइट डिटेक्टर है, आंखों में देखकर बता सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। हमारी तरफ देखिए, अब हम जो सवाल करेंगे आप उनके सीधे सीधे जवाब देंगे आंखों में देखकर। क्या आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं? नहीं। झूठ? ठीक है, वो कुछ उलझने हैं काम के संबंधित, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल, काम से संबंधित जो उलझने हैं वो क्या बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब इतनी कि हमें आपकी फिक्र होनी चाहिए? नहीं। पीप पीप, झूठ। जी नहीं हसीना जी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी आपको फिक्र करनी चाहिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है चलिए मान लेते हैं। अगला सवाल, आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ।
सही जवाब। आखिरी सवाल, आप सच में ये शादी करना चाहते हैं? हमें लगता है कि हमारी सगाई के लिए ये कट सही रहेगा। सही जवाब। तो ये थी अब तक की अपडेट मैडम सर। शालिनी जाएंगी, अपना रिपोर्ट वापस लेंगी। दी एंड, केस खत्म। जयराम जी की। वैसे बहुत अच्छा हुआ, आप कोई केस नहीं है तो सगाई की तैयारियां बहुत अच्छे से होंगी, कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। नहीं नहीं करिश्मा से। नंदिनी तुम यहाँ? मैडम सर ये नंदिनी है, शालिनी जी की बेटी। हाय हेलो, आप यहाँ कैसे? मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? अब का हेल्प चाहिए? नहीं तुमने मान लिया ना, तुमने बनाया था फेक प्रोफाइल, तुम्हारी मम्मा ने भी माफी मांग ली, तो हो गया ये तो सॉल्व। वैसे तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, वो गलत था। कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो किया बिल्कुल ठीक किया, और दोबारा मौका मिले तो फिर से करूंगी, बार बार करूंगी। जब तक मेरी मम्मा को वो सारी चीजें नहीं मिल जाती, वो लाइफ, वो खुशियाँ जो वो डिजर्व करती है, मैं ये करती रहूंगी। मैम मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मा खुश रहे, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे इसे कोई सही समझे या गलत। नंदिनी नंदिनी रिलैक्स, शुरू से शुरू करो। मैम मैं 2 साल की थी जब मेरे पापा गुजर गए, तब से लेके आज तक मम्मा ने मम्मी पापा दोनों की जिम्मेदारियां पूरी की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर आ गई थी। एक सेकंड के लिए भी ये फील नहीं होने दिया कि पापा हमारे साथ नहीं है। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है ना, उस उम्र में मम्मा ने पापा को खो दिया, और साथ में अपनी खुद की लाइफ भी। उनकी पूरी जिंदगी बस मेरे आसपास सिमट कर रह गई। मेरा करियर, मेरी खुशियाँ, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, ये सब सोचते सोचते वो अपने लिए जीना भूल गए। जब मैं उनसे कहती थी ना कि कोई नए कपड़े पहन लो, तो पता क्या कहती थी? छोड़ना नंदिनी, क्या होगा, मुझे कौन देखेगा। जब अकेली होती है ना तो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती, कहती है छोड़ना, अब अकेले के लिए क्या बनाऊँ मैं। पेंटिंग, पोएट्री, म्यूजिक, जो एक टाइम पर उनका पैशन हुआ करती थी, वो बस स्टोर रूम में पुरानी दीवारों के साथ उन्हें दीमक खा गई, और अब वो मेरी शादी कराना चाहती। पर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसे रहेंगी मम्मा, कौन रखेगा उनका ख्याल, किसके लिए जिएंगी वो। इसलिए मैंने सोचा है अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है तो मम्मा को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। फिर से एक बार किसी को अपना कर अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। कोई तो हो जो उनका अकेलापन दूर करके उन्हें जीने के लिए वजह दे, उनका साथ दे। मैंने सोच लिया है, जिसे जो सोचना है सोचे, जिसे जो बोलना है बोले, मैं अपनी मम्मा की शादी करवा के रहूंगी, और जब तक मम्मा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। पर इस मामले में नंदिनी हम क्या मदद कर सकते हैं? मैम मैंने इस थाने के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यहाँ दिल की बातों को बड़े दिल से सुना जाता है, जिस प्रॉब्लम में जज्बात जुड़े हों उसका सॉल्यूशन भी जज्बात के साथ दिया जाता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपनी मम्मा की शादी फिर से करवा सकूँ। नंदिनी बैठो, आओ। नंदिनी हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, समझ ली है, लेकिन एज पुलिस हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ये देखिए, ये वो लास्ट मैसेज है जो मम्मा का प्रोफाइल डिलीट करने से पहले उनके अकाउंट पे आई थी, और इस पे नीचे मैसेज भी है, शालू क्या सच में तुम ही हो? हाँ लेकिन कोई लफंडर भी तो हो सकता है ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक मिनट। ये देखिए मैडम, ये फोटो 25 साल पुरानी है, मम्मा की फेवरेट बुक में से मिली है, और इसके पीछे कोट भी है, सच्चा दोस्त वही है जो तब भी साथ निभाए जब दुनिया साथ छोड़ दे। मैम मुझे ये लगता है कि यही वो इंसान है
जो मम्मा की लाइफ में खुशियां वापस ला सकते हैं। आप मेरी हेल्प कीजिए ना मम्मा को कन्विंस करने के लिए कि वो इनसे शादी कर ले। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी माँ की जिंदगी में फिर से वो खुशियां ला सकें और तुम्हें दिल का सुकून मिल सके। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे इसमें। मैडम सर, फाइल्स मिल गए। अरे नंदिनी, तुम यहाँ? तुम्हारा केस तो सुलझ गया था ना? हाँ सुलझ गया था पुष्पा जी, लेकिन फिर से नंदिनी आई है, उनको मदद चाहिए। वो अपनी मम्मा की शादी कराना चाहती है जी, और मैडम सर इसमें उनका हेल्प करेंगे। हम सब इसमें उनकी मदद करेंगे। मैडम सर, ये भी कोई उम्र है इन सब चीजों के लिए? पुष्पा जी, आप फिर से उम्र वाली बात क्यों कह रही हैं? आप पहले भी कह चुकी हैं और तब भी हमने आपसे यही कहा था कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ मगर मैडम सर, हर चीज का एक वक्त होता है, एक सलीका होता है। पुष्पा जी देखिए, क्या है कि हम अब नंदिनी को प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम उसकी मदद करेंगे, तो हम उसकी मदद करेंगे। हम अपना वादा तोड़ नहीं सकते और इस काम में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। ऑर्डर नहीं है, गुजारिश है। मैडम सर, इसमें गुजारिश वाली क्या बात है, हम तो हर हाल में आप ही के साथ हैं। थैंक यू। नंदिनी एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये, क्या नाम बताया इनका? समीर जी। समीर जी, समीर जी शालिनी जी के लिए सही हैं, उन्हें पसंद करते हैं? क्योंकि मैम शायद ये उन्हें पहले से जानते हैं, कॉलेज टाइम पे वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। और इस वक्त मम्मा को ऐसा कोई इंसान चाहिए जो दोस्त से बढ़कर हो उनके लिए, और मुझे लगता है कि यही वो इंसान है जो मम्मा के लिए दोस्त से बढ़कर एक साथी होंगे उनके लिए। हाँ नंदिनी, तुम्हारा बात एकदम सही है, लेकिन उनके दोस्ती को ना भी काफी वक्त हो गया है, तो उनके दोस्ती की क्या स्थिति अभी हमको नहीं पता ना। सिर्फ इस कारण कि उन्होंने तुम्हारी मम्मा के प्रोफाइल पे कमेंट कर दिया कि क्या ये तुम हो शालू, या तुम्हारी मम्मा के पुराने बुक में उनका फोटो मिल गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो आदमी तुम्हारी मम्मा के लिए एकदम करेक्ट है, एकदम सही आदमी है। क्या गारंटी है इस बात की कि वो अभी भी बिल्कुल सही इंसान है? तो कर लेते हैं गारंटी, परख लेते हैं कि ये इंसान करेक्ट है या नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि पछताने से सावधानी भली। समीर जी से कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका है? उन्होंने मम्मा को अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेल किया था। ग्रेट, तो फिर कीजिए उन्हें फोन और इनवाइट कीजिए। कहाँ मैडम सर? डेट पे। शालिनी जी की तरफ से मैसेज भेजिए समीर जी को कि वो उन्हें इनवाइट करना चाहती हैं डेट पे एक कॉफी हाउस में। वहां पर परखा जा सकता है कि ये जो समीर जी हैं वो तुम्हारी मम्मी की जिंदगी में हीरो बनकर आए हैं, साइड हीरो बनकर आए हैं, या फिर शायद कहानी में रहने लायक ही नहीं। इनफैक्ट हम खुद वहां जाकर। नहीं मैडम सर, आप तो कहीं नहीं जाएंगी, आप घर जाएंगी। आपकी सगाई की बहुत सारी तैयारियां बाकी है, मेहरबानी करके थोड़ा उधर ध्यान दे दीजिए, नहीं तो अम्मी जो है वो हमको मार देंगी। हमारी जान बचाइए, आप घर पहुंचिए, ये मामला हम समझाते हैं। हम समझते हैं इसको। ठीक है। क्या आप श्योर हैं कि हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, जरूर होगा। एक मिनट संतू, अब क्या रण सिंह का बजाय तुम्हारे लिए तब आओगी? आओ ना, इतना फुटेज खाए खा रही हूँ, जल्दी आओ ना। हाँ पे बैठ सकती हूँ? Sorry, I'm waiting for somebody. Oh, no problem. अभी मैं इधर बैठ जाती हूँ। जैसे ही आपका समन को इधर आ जाएगा, मैं उनको उधर भेज दूँगी। I'm kidding. जैसे आपके समन आ जाएगा ना, मैं उधर चली जाएंगी, okay? तो क्या है ना, अकेले ईटिंग का हैबिट नहीं है, इसलिए। नहीं, हेलो हेलो हेलो, यानी यानी प्लीज, दिस प्लेस इज रिजर्व्ड फॉर समवन स्पेशल, और जो जगह स्पेशल होती है शेयर नहीं की जाती है, सो प्लीज।
वैसे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यहाँ इस वातावरण में तो वी कैन गो समवेयर एल्स. ओके. देखो बेटी. बेटी. यस बेटी. मैं यहाँ ठीक हूँ. मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे. मुझे यहाँ से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तुम अपनी उम्र की कंपनी देखो. Whatever. हाँ बैठो. कहाँ जा रही हो? उन्होंने बेटा कहा ना तो. अरे तो इसका मतलब ये अच्छे इंसान है. जेन्युइन पर्सन है. हमें उनसे बात करनी चाहिए. अमा परीक्षा अभी बाकी है. अभी इतना ही प्रूव हुआ है कि उन्हें अपने से छोटी उम्र वाली लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है. पर ये तो प्रूव नहीं हुआ ना कि बाकी औरतों के साथ उनका क्या रवैया है. वो तो देखना है ना. अभी दूसरी हीरोइन की एंट्री होने दो फिर देखते हैं. दूसरी हीरोइन? हम्म. मतलब हिंदी की चलचित्र अदाकारा, उच्च कोटि की प्रख्यात अभिनेत्री, अभिनय का तूफान, अदाकारी का जलजला और ओवर एक्टिंग जो है ना उसका सुनामी, हमारी प्यारी पुष्पा जी वो अभी आ रही है. जी ये रुमाल शायद आपका गिरा. बहुत बहुत शुक्रिया. Well, ऐसा क्यों देख रहे हैं आप? नहीं पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने आपको पहले भी कहीं देखा है. सॉरी मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले भी आपसे कभी मिल चुका हूँ. शायद पिछले जन्म में. Just joking. क्या कर रही है? ऐसे कौन बात करता है? अभी तो शुरू हुआ है. अभी आगे देखो. आपको देखते ही हमारे दिल की गहराइयों में से कहीं से एक आवाज आई कि ये तो हमारी पहली मुलाकात नहीं. ये कोई अजनबी, अनजाना, बेगाना, पंचनामा नहीं है. मतलब ये कोई गैर नहीं है. ये तो कोई अपना सा है जिसे हम कई जन्मों से जानते हैं. देखिए बहन जी, अब मैं यहां किसी खास का इंतजार कर रहा हूं जो बस अभी आने ही वाली है. सो प्लीज एक्सक्यूज मी. खास? मैम मुझे नहीं लगता कि अब इनको और आजमाने की जरूरत है. मैं उनसे बात करने जा रही हूँ. हाय. अब आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मेरा नाम नंदिनी है. मैं शालिनी शेखर की बेटी हूँ. एक्चुअली मैंने ही आपको बुलाया था मैसेज करके. ओके सो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हो. शालिनी आई? शालिनी आई. ओके तो आप इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह हैं जी. और नंदिनी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मम्मी को उनकी सेकेंड मैरिज के लिए कन्विंस करूं. राइट. कैसे? मतलब कैसे कर सकता हूं मैं ये? हो सकता है सर मिलकर बात की जा सकती है. आप काफी टाइम से उन्हें जानते हैं. आप काफी पुराने दोस्त हैं और एक जमाने में काफी करीबी दोस्त भी थे. उनसे मिलकर उनसे बातचीत कीजिए. उनको इतना कंफर्ट आप दे दीजिए कि वो अपना दिल का बात आपसे कर सके जैसे वो पहले करती होंगी आपसे. फिर मौका देख के हम भी उनको समझाने का कोशिश करेंगे कि जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में कितना फर्क होता है. और ये काम आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं सर. हाँ लेकिन प्लीज प्लीज एक बार कोशिश करके देख लीजिए. जी सर हम प्रयास कर रहे हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. जी जी हम विषय की गंभीरता को समझते हैं. आ,
सॉरी सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ में बैग था इसलिए हम नॉक नहीं कर पाए. कोई बात नहीं, आइए बैठिए. हाँ इट्स ओके, आप कर लीजिए. क्या? फोन आया था ना, आपका फोन चल रहा था, वो कट हो गया, कंप्लीट कर लीजिए. वैसे किसका फोन था? फोन कट नहीं गया था हसीना जी, हमने फोन काट दिया था क्योंकि बात खत्म हो गई थी. लेकिन आप क्यों जानना चाहती हैं कि हम किससे बात कर रहे थे? देखिए हसीना जी, ऐसा है कि हम डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, दिन में दर्जनों के फोन आते हैं, तो हम हर फोन का हिसाब आपको नहीं दे सकते ना. ओके रिलैक्स, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था. हमें तो आप बस थोड़े से परेशान लगे इसलिए हमने पूछ लिया. लेकिन अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम आज के बाद कभी नहीं पूछेंगे कि आप किससे बात कर रहे थे. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्या, इसलिए आप इतने परेशान हैं? एक काम कीजिए, आप आइए बैठिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. आइए आइए, हम जो है आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं जो हमारी अम्मी ने की है सगाई के लिए. सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे कि हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे. तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या हसीना जी, हमें पता है कि ये खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है? हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे. तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या हसीना जी, हमें पता है कि ये खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है? देखिए अनुभव सर, अब आप ये बताइए प्लीज कि आप क्यों इतने परेशान हैं? क्यों हमसे झगड़ा करने का मौका ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या हो गया? नहीं हसीना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हम परेशान हैं और ना ही हम कोई मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ झगड़ा करने के लिए. बात दरअसल ये है कि हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे और आप अचानक से आ गई, तो हमें लगा कि हमारा पूरा सरप्राइज चौपट हो गया, इसलिए हम थोड़ा सा बौखला गए और हमने फोन काट दिया. बस यही बात है हसीना जी. आर यू श्योर बस इतनी सी बात थी? हाँ हसीना जी, बस इतनी सी बात है. तो प्लीज प्लीज हमें कोई सरप्राइज मत दीजिए, हमें वैसे ही सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद. और हमारे प्रोफेशन में क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हमें वैसे ही कम सरप्राइजेस मिलते हैं जो हम और एक दूसरे को सरप्राइज दें? इसलिए प्लीज कोई सरप्राइज मत दीजिए, हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है. ओके आइए बैठिए, हम आपको बची हुई शॉपिंग दिखाते हैं. हम श्योर. सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना आप हंसी रोक नहीं पाएंगे. अरे इतना टाइम हो गया, आई क्यों नहीं अभी तक? आना चाहिए था. तब तक क्या करे, प्रैक्टिस करते. बॉट्टी, तुम मेरे से फ्लावर क्यों नहीं लेती? बॉट्टी बॉट्टी, तुम चार मीनार का हाइट बया, हम चार फीट का हाइट बया, कोई बात का नहीं, तुम बैठ के हम खड़ा होके बात करता ना. बॉट्टी रुकना, बॉट्टी अपन तुमको अपना कलेजा देता है, तुम अपना कलेजा मेरे को देना. कौन मिया? मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम अपना बिरयानी खाओ, हम अपना बिरयानी खाता, चलो मिया. मैं खिलाऊं बिरयानी तुम्हें? ये बिरयानी कैसी है? क्या कर रही हो? औरतों को छेड़ता है? एक्टिंग एक्टिंग करो, वीक निकल जाएगा. औरतों को छेड़ता है? रुको, ये रुको. क्यों? अच्छा चला, अब आओ चल. भाग गया.
समीर शालू पुष्पा जी चाय करिश्मा मैडम हाँ एक चीज मुझे समझ नहीं आई आपके लिए बिल्लू जी झुंझुना है कि आदमी है कोई भी आके उनको बजा के चला जाता है और ये मारा पीटी वाला रोल आप हमेशा उन्हीं को क्यों देते हो इतनी बुरी तरीके से मारा समीर जी ने बिल्लू जी को। देखो संतु दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता अब सुबह शाम वो हमारे थाने का राशन तोड़ता है थोड़ा बहुत तुड़ाई हो गया तो काफ फर्क पड़ता है और नहीं तो क्या आइए वैसे भी समीर जी को कहाँ पता था कि बिल्ला हमारा आदमी है छिछोरा लगता भी है और छिछोरा समझ के पीट दिया उसको तो आपने बताया क्यों नहीं समीर जी को कि बिल्लू जी तो अपने टीम वाले हैं अम्मा क्योंकि समीर जी को एक्टिंग नहीं आता है हमने कहा था ना मगर आपसे कि हम उनको अभिनय सिखाते हैं मगर ये नहीं मानी काम हो गया ना इसलिए नहीं बताए हम काम तो हो गया लेकिन एक और चीज मुझे समझ में नहीं आ रही अब का संतु देखिए आपने तो कहा कि मैडम सर बेकार में इमोशनल हो रही नंदिनी को लेकर तो अब आप क्यों नंदिनी के साथ मिलकर समीर और शालिनी की शादी कराना चाहती हैं क्या ना संतु नंदिनी के अपनी माँ को लेकर जज्बे ने ना हमको नींद से जगा दिया है हम भूल ही गए थे कि हम भी किसी का बेटी है और हमारी भी एक माँ है और हमने उस माँ को भगवान का दर्जा देकर उस स्थान पर बिठा दिया है कि हम ये तो भूल ही गए कि आखिर में है तो वो भी एक इंसान ही ना चलो संतु अभी यहाँ तो तुम्हारा काम हो गया तुम एक काम करो अब थाना में संभाल लूंगी आप टेंशन मत लो बिल्कुल संभाल लोगी तुम जय हिंद जय हिंद यकीन नहीं हो रहा इतने सालों के बाद तुम सब ठीक है ना सब ठीक है तुम कैसे हो वैसे ही हूँ जैसा था बस थोड़े से दाढ़ी के बाल पक गए लेकिन लोग कहते हैं हैंडसम लगता हूँ पहले से मतलब सूट करते हैं मुझ पे बिल्कुल भी नहीं बदले तुम यहाँ कैसे आना हुआ क्लाइंट से मिलने आया था और तुम यहाँ पास ही किसी से मिलने आई थी तुम्हारी फैमिली कैसी है शादी नहीं की क्यों मतलब अभी तक क्यों नहीं की लंबी कहानी है कहीं चल के बैठते हैं कि कब कॉफी पीते हैं सारी डिटेल में कहानी सुना दूंगा ठीक है पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी थोड़ी देर भी चलेगा चले करिश्मा मैडम का आइडिया काम कर रहा है अब मम्मा जरूर दोबारा शादी के बारे में सोचेंगी हमें क्या लग क्या हुआ ऐसे घूर काहे रही हैं आप पुष्पा जी हमारा ना आज आपसे बतियाने का मन कर रहा है मुद्दे पे आइए मुद्दा नहीं पुष्पा जी ऐसी हमारे मन में विचार आया कि सबको उनकी जिंदगी में जितना हक है खुशियों का वो खुशियाँ उनको मिलना चाहिए है ना मतलब खुशियों का कोई उम्र तो नहीं होता है ना नहीं होता ना पुष्पा जी नहीं होती बस वही पुष्पा जी हम आपसे आज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको खुशी देने वाला सुख दुख बांटने वाला अच्छा दोस्त एक अच्छा हमसफर जो आपको आपके हक की खुशियाँ दे सके अगर कभी आपको ऐसा जरूरत लगे ना पुष्पा जी तो आप बेझिझक बता दीजिएगा नहीं नहीं पुष्पा जी दुनिया समाज हम लल्ला क्या सोचेंगे आप बिल्कुल मत सोचिएगा क्योंकि ये आपका खुशी है और आप ही का पूरा हक है इस खुशी पर जहाँ तक लल्ला का सवाल है ना तो हम जानते हैं लल्ला ये बात सुनकर ना बहुत खुश होंगे आपके लिए और जहाँ तक हमारा बात है तो आपकी खुशी से बढ़कर ना पुष्पा जी हमारे लिए सच में कुछ नहीं है ब्रह्मांड से लड़ जाएंगे हम आपकी खुशी के लिए समझ रही हैं आपको लगे ना जरूरत तो बता दीजिएगा मतलब बस आपका दिल क्या चाहता है हम ये सुनना चाहते हैं आप क्या चाहती हैं कभी तो आपने सोचा होगा ना पुष्पा जी बताइए हमको अपना दिल का बात आज हमें पता चला भोलेनाथ ने हमें बेटी क्यों नहीं दी क्योंकि अगर दी होती तो हम दुनिया को कैसे बता पाते
कि एक बहू जो होती है वो 100 बेटियों से बढ़कर होती है। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए हमारे बारे में इतना सोच रही हैं। मगर हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद काफी मुश्किल समय रहा, थोड़े समय के लिए बहुत अकेले भी पड़ गए थे हम, मगर फिर लल्ला की परवरिश में ऐसे खो गए ना, ऐसे उलझ गए कि फिर खुद के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। और उसके बाद तो आप आ गई हमारे जीवन में। जब भी मन करता है आपसे बहुत लड़ लेते हैं, और जब भी कभी सोने का मन करता है आप ही को तकिया बनाकर सो लेते हैं। सब कुछ तो है हमारे पास बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। मगर ये जो नंदिनी की लड़ाई जो है ना, वो तुम जरूर जीतना, क्योंकि आजकल समाज को नंदिनी जैसी बच्चियों की बहुत जरूरत है। समाज की सोच बदलना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका साथ देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे पुष्पा जी, बिल्कुल देंगे। लेकिन आप एक बार और सोच लो। नहीं मतलब लाइफ टाइम ऑफर है आपके लिए, और वो नवाबू तो आपके इंतजार में बैठे ही रहते हैं। नहीं मतलब अगर विचार बदलते हैं आपके तो बता दीजिए। कुछ भी बकैती किए जा रही हैं आप। अरे वो तो थाने के चक्कर में हम उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि थाना हमारा सुरक्षित रहे, और कुछ नहीं है। करिश्मा मैम। हाँ। आपको पता है मेरे मम्मा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। समीर जी और मम्मा एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सच में? मतलब काम हो रहा है, कहाँ है वो? मैंने उन्हें उसी कैफे की तरफ जाते हुए देखा। तो फिर हम भी कैफे जाके उनकी खुशियाँ देखते हैं। पुष्पा जी यहाँ तो काम हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, हम थाना संभालते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। Well, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद यूएस चला गया बिजनेस करने, और फिर काम में इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि शादी की उम्र निकल गई। अब सालों के बाद जब वापस इंडिया आया तो माँ पीछे पड़ी है, शादी कर लो, शादी कर लो। तो कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? 50 का हो गया शालू, तो घर बसाने के लिए, नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उम्र देखता है क्या कोई? वेल सेटल्ड हो, अच्छे दिखते हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, एक अच्छे इंसान हो तुम। तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। कोई भी? हाँ कोई भी। तुम करोगी शादी? नहीं समीर, ये पॉसिबल नहीं है। इस उम्र में शादी करना एक भद्दा सा मजाक लगता है। अभी तो तुमने कहा था कि घर बसाने की, नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम पे लागू नहीं होता ये। क्योंकि मैं एक औरत हूँ। आज भी एक मर्द और औरत के लिए सेम रूल्स नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। अपनी आंखों से देख लीजिए आई। तूला ढूंढा जा रहा है अपने लिए। अरे ये तो अच्छा हुआ हम समय रहते इनको फोन करके बुला लिए, वरना इन्हें तो पता ही नहीं चलता इनकी बहू कागुल खिला रही है। हम तो सोचे थे कि इसकी लड़की गलती से इसकी शादी का विज्ञापन डाल दी है। सब तो दिखावा था, यही मरी जा रही थी इस उम्र में शादी करने के लिए। सच कहीं की? चल, चल, दादी, दादी, यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, लोग देख रहे हैं। जो बात करनी घर चल के करनी। अच्छा तू भी यहाँ है, तो तुम दोनों माँ बेटी की मिली भगत है? दादी क्या बोल रहे हो, कोई मिली भगत नहीं है। मम्मा को तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ है, मैंने इनको यहाँ बुलाया। पी लो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे राम 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 राम,
ये नहीं बताती तो हमको पता ही नहीं चलता कि क्या क्या गुल खिला रही है। मूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ। अरे बेहाया, समाज में इस बात का पता चला तो लोग तुझ पे थू थू करेंगे। थू थू चल सर, चल 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 दादी, चल मैं कहती हूँ, चल। हमें यकीन नहीं होता हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ इंसान ने इंसान से उसके जीने का बुनियादी हक छीन लिया। क्यों? सिर्फ अपने इस नकली गुरूर को पालने के लिए। मैडम सर, आप लिख के ले लो, ये जो बुढ़िया है ना, ये माफ कीजिएगा गुस्से में, हमारे लिए आपकी दादी के लिए और कुछ निकल नहीं रहा है। ये सारे फसाद का जड़ इनका दादी है, हम बता रहे हैं मैडम सर। मुझे लगता है कि उनकी उस उम्र को देखते हुए उनका ये रिएक्शन जेन्युइन है। लेकिन मैम, बचपन से लेकर आज तक मैंने दादी को हमेशा मम्मा को सिर्फ ताने मारते हुए देखा है। हर चीज के लिए वो मम्मा को इरेस्पॉन्सिबल मानती है। यहाँ तक कि पापा की मौत के लिए भी दादी ने मम्मा को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मम्मा ने तो दादी की हमेशा रिस्पेक्ट की है। उनकी सही गलत कोई भी कही हुई बात बिना ऑब्जेक्शन उठाए, बिना नानुकुल किए बस मानती रही है। अगर दादी के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे तो मम्मा नाराज हो जाती है। दादी की कही हुई बात मम्मा के लिए पत्थर की लकीर है। इसका मतलब हमारी मेन प्रॉब्लम दादी ही है। उन्हें ही कन्विंस करना होगा सबसे पहले। इम्पॉसिबल मैम, कोई भी इम्पॉसिबल चीज इस दुनिया की पॉसिबल हो सकती है, लेकिन दादी मम्मा की शादी के लिए मान जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है। ना आप चिंता मत कीजिए, हमारे थाने में आज तक कोई ऐसा केस आया ही नहीं है जो सीधा साधा तरीके से सॉल्व हो जाए। हर केस आड़ा टेढ़ा आता है और इस थाने को ना वरदान मिला हुआ है संभव को संभव बनाना, तो आपके मामले में भी हम इस असंभव को संभव बना के रहेंगे। अरे तेरी माँ कहाँ गई है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है, हैं? काम पे गई है क्या? काम तो कल भी बहाना है, गई होगी अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने। दादी प्लीज, का बलिज? यही तो कर रही है वो, अपने खानदान का नाक कटवा रही है। अरे विधवा है तो विधवा के नियम कानून माने? नहीं, फुदफुदा रही है। जिसने विधवाओं के नियम कायदे का पालन ना करके हमारे लिए नरक के द्वार खोल दिए। हाँ? कहाँ है वो विधवा? कहाँ है वो औरत जो अपने साथ साथ हमों में पाप का भागीदार बनाई रहत बा? अरे भाई, आप लोग हैं कौन? कैसे हमारे घर में घुसा है? हम हैं दुलारी। और हम रही राम प्यारी, बनारस से आए हैं हम भी। हाँ, अंतरराष्ट्रीय विधवा नियम एवं प्रतिपालन केंद्र से आए हैं हम। हमारा काम है जो विधवा ना अपने पति के निधन के बाद विधवाओं के नियम का पालन नहीं करती ना, उस पर नजर रखना। और हमें पक्की खबर मिली है कि इस घर में एक ही विधवा है जो दुराचार कर रही है। बहुत दुराचार। ये दिखाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है। हे दत्ती मैया, तू पटना, मैं तुझ में समा जाऊं। देख तेरी मौ क्या गुल खिला रही है, सबको पता चल गया है। दे देखिए जी, देखिए हम मानते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी कलमुही बहू से। आप लोग जो बोलेंगे, जो भी दंड उसके पाप का देंगे, हम तो उसको हम उससे प्रायश्चित करवाएंगे। आप हमें एक एक को बात नहीं बोलेंगे, हम आपको वचन देते हैं। बहुत फुदक रही थी ना तेरी माँ, देखना अब कैसा मजा आएगा। अब अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। माँ, आप अनुराधा पोडवाल नहीं हैं? कौशल, आप अनुराधा कौशल नहीं हैं? हाँ तो वो तो हम ही आए। हाँ तो हम आप ही से मिलने आए हैं। हमरे लिए? हाँ, तुम विधवा नहीं हो का? हाँ तो इसके माँ भी तो विधवा है। उसके
उसकी बारी बाद में आएगी। देखिए कहा है ना, आप हैं घर की बड़ी और आप हैं घर की पहली विधवा, तो अब आपकी बहू जो है वो आप ही को देखकर सीखेगी ना। इसलिए हम आपको सिखाने आए हैं कि विधवा जीवन में पति के निधन हो जाने के बाद किस तरह से सब मोह माया त्याग करके बस भगवान का नाम लेके सात्विक जीवन कैसे जीते हैं। अरे ओ दुलारी बहन, ये तो देखो रंगीन साड़ी। तुमको पता नहीं का, विधवा जो होती है ना वो सिर्फ सफेद रंग का साड़ी ही पहन सके है बा। और जितनी देर से बैठकर हमसे बतिया रही हो, सोफे पर बैठ के जमीन पर नहीं बैठ सकती। जा रहे भाई, ये विधवा होकर तीखा चटपटा खान पान शोभा नहीं लेते बा। विधवाओं को तो एकदम उबला हुआ खाना खावट रही है। इनके क्या बोल रही हैं आप लोग? वो देखो पान भी रखा हुआ है। पान? ये गुलकंद वाला पान? यही कान कर रही है ये औरत। हटो जरा, हटो 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 हटो। ये देखो कान में बाली पहनी हुई है, हाथ में कंगन, माथे पे बिंदिया, बाल भी काली की है रहत। अरे देखो जूती भी पहन रखी है। मोबाइल, टीवी भी देखती है। बंद, टीवी बंद, टीवी बंद है। ये सारी हरकतें बंद है, आज से सब कुछ बंद। महापाप महापाप, सिर्फ संन्यास और भगवान का जाप। चलो चलो शुरू हो जाओ, सबसे पहले साड़ी बदले हैं। अब ई लगत बा हमों में से एक बा। नेक नेक खूब नेक, आओ 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 चल। बैठा, अरे बैठा, बैठा, बैठा। अरे कहाँ भाग रही हैं? अरे तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? देखे नहीं, तू कुछ तो बोल। दादी मैं क्या बोलूँ बताओ, आप ही कहते थे ना कि विधवा लोग जो बोलते हैं जो कहते हैं वही करना चाहिए। अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो आपकी जुबान खराब हो जाएगी। अरे मेरी जुबान की जोड़े, मेरी जिंदगी खराब करने में तूने। अरे अब कहाँ बताए, विधवा की तो जिंदगी होती खराब है ना? नहीं बहन। हाँ आज से आप एक खाएंगी। पत्ता खाएंगे? नहीं नहीं आप पत्ता में खाना लेके खाना खाएगी। हाँ दुलारी बहन, ठंडा पानी फ्रिज का? नहीं नहीं नहीं, तू ये पानी नहीं पी सकत हो, सादा पानी एकदम बिल्कुल ही सादा पानी। हाँ मगर उससे पहले एक जरूरी रस। रस? कौन सा रस? बेटा मोड़ा लाओ जरा। ला लो जल्दी, मैं लाती हूँ। मोड़ा का मोड़ा यही रखा है ये मोड़ा। क्या बात है क्या बात है, बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। अरे बैठा बैठिए, चलिए भगवान का नाम लीजिए। भाई कौन है आप लोग, कहाँ से आ गए हैं, क्या चल रहा है ये सब? अरे हम अंतरराष्ट्रीय विधवा नियम एवं प्रतिपालन केंद्र से आए हैं और हम इस विधवा को जो है विधवाओं के नियम कायदे सिखाने आए। और नहीं तो किस नियम कानून की बात कर रही है आप? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और अभी तक आप पिछले जमाने की बात कर रही है? अरे इसमें बेचारी औरत का क्या कसूर, अगर उसका पति पहले मर जाए तो? शर्म कर, शर्म कर अनुराधा पोडवाल। कौशल कौशल, शर्म कर अनुराधा कौशल। अरे दुनिया समाज लोगों के बारे में कुछ तो सोच। और नहीं तो का भगवान से डर? और नहीं तो का। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या मुंह देख रही हैं, इनको बोलते क्यों नहीं, ये सब कौन से पुराने जमाने की बात कर रही हैं ये? अब माता जी ये तो गलत बात हुआ ना कि सब मीठा मीठा मेरा और सब कड़वा कड़वा तेरा, जो आपको सही जमे वो सही, जो आपको नहीं जमे वो गलत। अब आप जो नियम दूसरी औरतों पर लगाती हैं वो आपके खुद पर भी तो लागू होना चाहिए ना। हाँ माता जी। हाँ तो हम कब रोक रहे हैं किसी को कुछ करने से? मैं ये सब ना करूंगी बाबा। अरे अरे कहाँ 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 भाग रहे हैं? अरे भाग रहे हैं, इस उम्र में भागने अच्छा सोवे, कोई भागता है क्या?
कुछ नहीं होगा, चलिए चलिए। ये सब क्या हो रहा है? आइए बहू, बहू मेरी बेटी, मेरे बाल काटने वाले थे, मेरा मुंडन करने वाले थे बेटा। आप लोग इन दोनों को रोकते क्यों नहीं इनकी मनमानी करने से? अब सॉरी मैडम, लेकिन ये आपका घरेलू मामला है तो कानून कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, हमारा घरेलू मामला है ना, तो आप लोग जाइए यहाँ से। और आप दोनों, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेफालतू की बातें करने की इनसे? आपकी जो कोई भी सुनता है उसे जाकर सुनाइए, मेरी माँ जी को नहीं। शर्म करो, अरे विधवा का जीवन है तो ऐसे ही जीना होगा ना, हम क्या गलत कह रहे हैं? कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? और नहीं तो क्या? लोग? कौन से लोग? जब इसके पापा हमें अकेला छोड़कर गुजर गए थे ना, तो आपके सो कॉल्ड लोग हमें सहारा देने, हमारी मदद करने, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने नहीं आए थे। ढेरों जिम्मेदारियां थी मुझ पर इस घर की, पूरी दुनिया से मैं अकेले लड़ रही थी, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। इसलिए जब बात घर की आती है तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर वालों के बारे में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उनकी खुशी से फर्क पड़ता है। प्लीज आप दोनों यहां से जा सकते हैं। ठीक है ठीक है, अब इतना कह रहे हो तो चले जाते हैं। चल रामपुरी, राम प्यारी, चलो चलो चलो। क्या बात है, बहुत नसीब वाली हैं आप जो आपको ऐसी बेटी मिली है। बहू एक ही बात हुआ ना, ये भी ठीक है, चलते हैं। मैडम सर आप फिर से यहाँ, शाम को सगाई है आपका, आप फिर से यहाँ आ गई। हम चाहते हैं कि ये शालिनी वाला केस जल्द से जल्द निपट जाए, ताकि आप सब कम से कम सगाई में रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे ना। लेकिन एक इसकी सासू माँ है जो मानने को तैयार ही नहीं है। पर वो मिस्टर समीर, आप यहाँ कैसे? जी मैं ये बताने आया हूँ कि मैं वापस यूएस जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे और शालिनी के रिश्ते को मंजूरी मिलेगी। मिस्टर समीर, हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। आप इस तरह से लड़ाई बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फायदा, जिसके लिए लड़ी जा रही हो वही लड़ने से इनकार कर रहा हूँ। पर आप ऐसे बुजदिलों की तरह क्यों भाग रहे हैं? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, काम कर रहे हैं उस पर, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि क्या सही है और क्या गलत है, आप समझ रहे हैं? रहने दीजिए करिश्मा सिंह, ये इनका फैसला है, हमें कोई इख्तियार नहीं है दखल देने का। अफसोस कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, अगर कर पाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हाँ एक चीज जरूर कर सकते हैं, आज शाम को हमारी सगाई और यह है उसका इनविटेशन, अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सो प्लीज जरूर आइएगा। जी मुबारक हो, जरूर आऊंगा मैं, चलता। मैडम सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप हार मान गई। करिश्मा सिंह आपको सच में लगता है कि हमने हार मान ली? हमारी सगाई की केटरिंग कौन कर रहा है? हाँ वो अम्मी ने बताया था, वो स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स कर। स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स की जो सुपरवाइजर है वो है शालिनी जी, और हमारी सगाई को भी सुपरवाइज वही कर रही है। आपको समझ में आ रहा है हम क्या सोच रहे हैं? वही हम सोचे कि मैडम सर इतना आसानी से हार मानने वाला चीज नहीं है। इधर देखिए, इधर इधर। हाँ तो इस सगाई खुशनुमा मौके पर हमने बुलाया स्पेशल मिमिक्री आर्टिस्ट। तुम हो बोलो। अरे यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अरे इस खुशी के मौके पर आप सबके लिए डांस प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, कोई शक? चेंज
बाबा कोई तड़कता भड़कता म्यूजिक लगाइए। लीजिए, आ गई पब्लिक की भारी डिमांड पर हसीना मलिक की अम्मी मोहतरमा नूरजहां बेगम। आइए आइए जहन नसीब, आप आ तो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तुमसे पूछा? नहीं ना, इससे पूछ रही हूँ। बताना कैसी लग रही हो? अब अम्मी, हमारी भाषा में बोले तो आप एकदम कंचा, एकदम कमाल, बवाल, जलाल, धमाल, एकदम चौचक लग रही हैं। बच्ची देखा, इसको कहते हैं तारीफ। अगर तुमसे पूछ लेती ना तो एक लंबी सी गजल सुना देती और पका देती। न गजल समझ में आती न तारीफ। सगाई की मुबारक घड़ी बीती जा रही है और अनुभव तक नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए ना। एक काम करना, जल्दी पूछ के कहाँ है वो। हम पता करते हैं अम्मी, हम पता करते। आधा बजे अम्मी जान, चलिए। हेलो मैडम। अरे मैडम बात क्या है, देखिए ना कितनी अच्छी सजावट है और आपकी चेहरे की बनावट क्यों उतर गई? अरे वो अनु भैया फोन नहीं उठा रहे हैं, चाची भी फोन नहीं उठा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझना क्या होता है, सगाई का माहौल है, लोग फोन करके परेशान कर रहे होंगे तो साइलेंट पे कर दिया होगा। वो छोड़िए, आप लड्डू खाइए, ताजा है। नहीं, हम लड़के और लड़की दोनों की तरफ से है ना, तो जवाब कौन देगा? तुम्हारी अम्मा देंगी, हमें देना पड़ेगा ना। तुम दोनों का क्या है, तुम तो नाच के निकल जाओगे। नहीं नहीं मैडम, खाना भी खा के जाएंगे। ऐसे कैसे जाते? एक मिनट, हेलो चाची जी, वो नहीं, हम जाते हैं उनसे मिले, हम जाते। सुनो मैडम सर पूछेंगी तो कहना कि हम ना सगाई का कुछ सामान लेने अर्जेंट घर गए हैं, ठीक है? किसके घर? किसकी? तुम्हारी अम्मा के घर। ठीक है, समझ गया समझ गया। अरे ये करिश्मा सिंह कहाँ चली गई? जरूरी सामान लेने घर गई। आएंगे, आप लड्डू खाइएगा। नहीं नहीं, हमें नहीं खाना। नहीं? जाओ दूसरों को दो, ठीक है? एक फोटो। हसीना मैम। अरे कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आइए आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ। आपसे हमारा परिचय तो है नहीं, असल में हमारी पोती बोली कि चलो तो हम आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हमने ही नंदिनी से कहा था कि आपको जरूर लेकर आए, इतने अच्छे मौके पर बड़ों का जितना आशीर्वाद मिले उतना ही कम है। हाय समीर जी, आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए आइए प्लीज। मैडम सर चलिए चलिए डांस की। मैडम सर डांस कर रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं, हम अपनी सगाई पर कैसे डांस कर सकते हैं? नहीं मैडम सर, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज आपको डांस करना ही पड़ेगा। एक मिनट, अनुभव जी आ जाए उसके बाद करेंगे, ठीक है? अरे आप डांस करना शुरू तो कीजिए, वो बस खींचे चले आएंगे। आपको पता है जब हम नाचना शुरू करते थे ना, लल्ला के पप्पा भी ऐसे ही खींचे चले आते थे। दिखाएं आपको? ना माते, ना ना ना, हम डांस करेंगे। आइए आइए, बिल्कुल आइए आइए आइए। अनुभया, आपको नहीं लगता इस वक्त आपको कहीं और होना चाहिए था? हाँ, हम वहीं जाने वाले थे लेकिन एक जरूरी काम के सिलसिले में हमें आना पड़ा, बस हम निकल रहे हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ इंतजार करते हैं, आप अपना काम निपटा लीजिए, साथ वापस जाएंगे। नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, हम काम खत्म करते हैं फिर आते हैं, आप जाइए ना। नहीं नहीं, आप जितना समय लेना ले लीजिए अनु भैया, हम यहीं बैठे हैं, आपके साथ ही जाएंगे वापस। क्या बचपना है, हमने कहा ना थोड़ा सा काम है, खत्म करके हम आते हैं, आप जाइए। क्या है ना अनु भैया, बचपन में हमने आप ही से ही सीखा है कि जिंदगी में रिश्ते कभी मत बनाना, लेकिन अगर बनाओ तो उसको जिंदगी भर निभाना, मरते दम तक निभाना। सच कहे ना तो हम भी नहीं जानते हमारा मैडम सर के साथ क्या रिश्ता है, कभी कभी ना हमारा मन करता है कि उनके पैरों के नीचे से ना जमीन ऐसा खिसका दे, फिर कभी कभी मन करता है कि आसमान को ना उनके कदमों में लाके बिछा दे।
नहीं नहीं पल्ले पड़ता हमको कि हमारा क्या रिश्ता है उनके साथ, लेकिन हाँ एक बात हमको जरूर समझ में आता है कि तकलीफ होता है ना उनको, वो सहन नहीं होता है हमसे। आज बहुत बड़ा दिन है अनु भैया उनके लिए, उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और हम नहीं चाहेंगे कि उनको इतना सा भी तकलीफ हो। भले ही आज हमें आपके हाथों में हथकड़ी पहनाना पड़े, हम वो भी पहनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। नहीं जाना हमें किसी सगाई में। अनुभया नहीं करनी हमें सगाई। सुन लिया ना आपने, अभी हमें जाने दीजिए। नहीं चाची, बताई हमको कि आप हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना मैडम सर को बताए। माँ हमको हमको समझ में नहीं आ रहा अनु भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम जानते थे, हमें पता था कि आप हमें यहीं मिलेंगे, इसलिए हम सीधा यहीं आए आपसे पूछने के लिए कि काहे काहे अनु भैया काहे आप ऐसा कर रहे हैं मैडम सर के साथ। वो वहां आपके नाम का मेहंदी लगाकर आपका इंतजार कर रही हैं। उनको तो कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, फिर से उनके साथ ये सब क्या होने जा रहा है। काहे अनु भैया काहे आप ऐसा कर रहे हैं उनके साथ काहे? जिस दिन हमारी सगाई की घोषणा वायरलेस पर हुई थी, उस दिन हमारे बॉस हमसे मिलने आए थे। नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है अनुभव, पूरे देश की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अगले बुधवार को ही निकलना है, और इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तुम ये सगाई नहीं कर सकते। पर सर मजबूरी अनुभव, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि इस काम से पहले तुम किसी जज्बाती रिश्ते में बंधो और कमजोर पड़ो और इस मिशन को खतरे में डालो। एक अंडरकवर एजेंट को हर बंधन से आजाद होना चाहिए। इस मिशन को हम किसी खतरे में नहीं डाल सकते, सवाल बहुत सी जिंदगियों का है। हम ये सगाई नहीं कर सकते करिश्मा सिंह, नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आप खुद उनको अपने मुंह से सारी बातें बता दीजिए, फिर जो उनका फैसला होगा ना वो सही फैसला होगा। आप समझ हमारी बात को अनु भैया, अब चलिए हमारे साथ, चलिए अनु भैया। ये असंभव है करिश्मा सिंह। लेकर तो हम जाएंगे भैया आपको, क्योंकि क्या है ना कि हम खुद से वादा कर लिए हैं आप, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है। ये ना इंसाफी ना हम मैडम सर के साथ नहीं होने देंगे, भले ही हमारा भाई हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो। संतोष संतोष एक बात बताओ, अनुभव सर कहाँ है? सब कुछ हो गया, वो अभी तक आए नहीं। वो शायद वेट करे नंदिनी का केस खत्म होने का। सुनो हमारी बात तो सुन लो पूरी। अब नंदिनी वाले केस में हम कहाँ पहुंचे? डोंट वरी मैडम सर, दादी वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। अरे ये क्या, वहां पे गेस्ट चिल्ला रहे, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए उनको। ये है तुम्हारा सुपरविजन, ऐसा करो क्या काम तुम? सॉरी सर गलती हो गई, अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। गलती तो मेरी हुई, तुम्हें इस जॉब पर रखा, अब तक खाना नहीं रखा, कोल्ड ड्रिंक के लिए चिल्ला रहे लोग, एक जरूरतमंद समझ के तुम्हें नौकरी दी, केटरिंग कंपनी में जॉब दिला दी, सुपरवाइजर बना दिया, लेकिन तुमने तो मेरे मेहरबानियों का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है सर, मैं सब करती हूँ। नहीं नहीं ऐसा ही है, वो बोलते हैं ना जहाँ मिले यूं वहाँ हिले क्यों, तुम्हें तो तुम्हारी हर महीने सैलरी तो मिल जाती है ना, जरूरत क्या है यहाँ वहाँ हाथ पर हिलाने की। क्या बोला था काम मांगते वक्त? सर सर मैं बहुत मेहनत करूंगी, 2400 घंटे काम करूंगी, ये काम कर रही हो तुम? और अब क्या, नौकरी मिलते ही सारे वादे फुर? अभी सर सर मत करो, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम करो काम करो जल्दी। मैडम जी अरे क्या एक्टिंग की है मैंने, एकदम रियल वाला जेन्युइन परफॉर्मेंस दिया, जैसे आपने बोला था ना वैसे कोस कोस के बोला है। हाँ हाँ लेकिन आपने कैसा परफॉर्म किया है वो नतीजे के बाद पता चलेगा, ठीक है? ये है तेरा भविष्य, इस काम पे निर्भर करता है तेरा आने वाला कल, जिसे न बात करने की तमीज, न औरतों के मान मर्यादा का ख्याल,
जो कभी भी तुझे नौकरी से निकाल सकता है। तू यहाँ जी सब जगह ऐसे ही है, कुछ कड़वे घूंट पीने ही पड़ते। ये देखो ये मैडम जी का गप्पे शप्पे चल रहा है, देखो तुम्हें पगार देता हूँ ये काम करने के लिए, ये पंचायत करने की नहीं। नहीं सर बस। देखो अगर ये 5 मिनट में मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं वरना वरना क्या क्या वरना ए? क्या है जी अवस्थी जी का, तू चुप रह। बहुत देर से मैं इसकी बकवास सुन रही हूँ। अरे नौकरी दी है तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का लाइसेंस मिल गया इसे? एक बात कान खोलकर सुन, बहू है ये मेरी, ये यहाँ काम करने के लिए आती है, तेरे जैसे गंदे आदमी की बकवास सुनने नहीं। देखो आप बीच में तुम चुप, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू किसी और की सगाई में खड़ा है। इतना मारूंगी मोटे की तू अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा, समझा? हेलो हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बस। तुम ऐसे आदमी के साथ नौकरी करती हो? वाह क्या बात है, अगर सास को कोई कुछ कह देता है तो बहू भड़क जाती है, और बहू की आज किसी ने बेइज्जती करने की कोशिश की तो आपने तो उन्हें डरा ही दिया। सच में आप दोनों का प्यार ना एक बहुत अच्छी मिसाल है। माँ जी जिस दिन आपकी बहू घर में ब्याह कराई थी उसी दिन उसने आपको अपनी माँ मान लिया था, और आप शालिनी जी से कितना प्यार करते हैं हम सब ने देख ही लिया। आज आप हैं, नंदिनी भी है, लेकिन कल कौन होगा इनके साथ? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अकेली रहने के लिए सक्षम नहीं है, हैं, लेकिन किसी का साथ हो तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो फिर क्यों हम इस पुरानी सोच में अटके हैं? इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। बेटा इस उम्र में शादी? उम्र और शादी का क्या कनेक्शन है माँ जी? एक औरत की शादी करने की सही उम्र कौन सी होती है ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे या फिर आप तय करेंगे, या फिर वो दो बालिक लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया है और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया है वो तय करेंगे। प्यार पाने की, खुशियां पाने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोई उम्र नहीं होती। हमें तो लगता है कि इस सब का उम्र जात पात स्त्री पुरुष किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, यह आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। 2021 चल रहा है, अब वक्त आ गया है कि हम इस दकियानूसी सोच की बेड़ियों से खुद को आजाद करें, एक नई सोच एक नई सुबह के साथ इस नए समाज की शुरुआत करें। माँ जी माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जी, प्यार के साथ जी। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए, ये उनका फैसला है। माँ जी माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जिए, प्यार के साथ जिए। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए, ये उनका फैसला है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो।
समाज क्या कहेगा? नहीं बेटा, अब मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ में जाए दुनिया, दुनिया के रीति रिवाज। अरे ऐसे रीति रिवाजों का क्या करना कि जिसमें जिसमें इंसान अपनी जिंदगी ना जी सकता हो। मुझे भी अब किसी का कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बस तुम दोनों खुश रहो, सुखी रहो। फाइनली ये केस सॉल्व हो गया। कुछ बात करना था। हाँ हाँ बोलिए। क्या हुआ, आप कहाँ गए थे? क्या हो गया करिश्मा सिंह? और एक मिनट, अनुभव कहाँ है? हाँ वो बोलिए। सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। माँ ना हमेशा से हमें कहती थी मैडम सर, लेकिन हमने कभी उनका बात माना ही नहीं कि जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये सच अनुभव भैया का आपके सामने आ गया। ऐसा धोखेबाज इंसान आपके लायक ही नहीं था मैडम सर। मैं तो शर्म आती है ऐसे धोखेबाज इंसान को अपना भाई कहते हुए। वो समझ में आ रहा है अब हमको कि वो घर गृहस्थी का जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं थे मैडम सर। वो आप समझ रही हैं बात को। तो शुक्र गुजार है भोलेनाथ के कि सही समय पर सच पता चल गया था कि आप, हमें मालूम है आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैडम सर अच्छा यही होगा कि आप ऐसे से धोखेबाज इंसान को आप भूल के ना आप अपना आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। आगे का जिंदगी अच्छा होगा मैडम सर। करिश्मा, नहीं ये नहीं हो सकता। अम्मी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी संभालिए अपने आप को। वो प्यार करता है तुमसे। अम्मी उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। अम्मी अम्मी आप देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ होगी, वरना वो सगाई में ना आए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कुछ काम होगा। अम्मी अभी आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में कल इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? आप इस तरफ आइए, दो मिनट के लिए। मैडम सर, ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आप यही चाहती हैं कि हमें हसीना जी को सच्चाई बता देनी चाहिए तो हम बता देंगे, लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगी कि सच्चाई जानने के बाद हसीना जी हमारा इंतजार करने के लिए अपने जीवन के बेहतरीन साल गवा दे? क्योंकि जिस मिशन पर हम जा रहे हैं ना करिश्मा सिंह, उसमें हसीना जी की जान को भी खतरा हो सकता है। दुश्मन हमें झुकाने के लिए उन्हें निशाना बना सकते हैं। क्या हक है हमें उनका जीवन दांव पर लगाने का? क्या हक है हमें उन्हें ऐसा जीवन देने का जिसमें खुशियों की कोई गारंटी नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद कुछ कहानियां हैं करिश्मा सिंह जिनका अंत अधूरापन ही होता है। हसीना जी को हमें भुलाना होगा। जब तक वो इस रिश्ते से जुड़ी रहेंगी वो हमें कभी नहीं भुला पाएंगी। कभी अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाएंगी।
कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी। और ये तभी मुमकिन है करिश्मा सिंह, जब वो हमसे नफरत करेंगी, बहुत सारी नफरत। अगर हम उनकी नजरों के आगे गिर जाएंगे तो उन्हें हमें भुलाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। हमारे लिए, हसीना जी के लिए, हसीना जी के आने वाले जीवन के लिए, आपको हसीना जी के मन में हमारे लिए घृणा पैदा करनी है। ये एक ही रास्ता है करिश्मा सिंह, उनके जिंदगी से दूर जाने का। आपको ये करना है। सुनिए सब लोग, आप सब लोग यहां आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कुछ घरेलू कारणों की वजह से आज की सगाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। रुकिए, अम्मी, आप हमेशा कहा करती थी ना कि इस तरह के मुबारक मौके से लौट जाना अच्छा नहीं होता। आज आप सब यहाँ खुशियां बांटने आए हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हैं, सगाई की रस्म में शरीक होने आए हैं, जश्न मनाने आए हैं, तो फिर यही होगा। आज यहाँ सगाई होगी। बैठिए 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 प्लीज। आज यहां समीर जी और शालिनी जी की सगाई होगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। अरे आप सब इतने मायूस क्यों हैं? हमारी सगाई तो टूटी है लेकिन हम अभी जिंदा हैं। म्यूजिक चलाइए प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, जब अरे भौकाल दिखाइए ना, जब आपको दिखाना होता है भौकाल तब आप दिखाती नहीं है। कीजिए कुछ जश्न की तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, जरा माहौल बनाइए। सगाई की रस्म शुरू करें। अंगूठियां नंदिनी को दे दीजिए प्लीज।
सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, सगाई को, शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। क्या कर रहे हो ये? मजा आ रहा है ये सब करके इकबाल? यहाँ पता नहीं मैडम सर पे क्या बीत रही होगी और तुम ये तमाशा कर रहे हो। कुछ दुख दर्द है कि नहीं इस थाने का? क्या रे, शर्म उरम आता है कि नहीं तुमको? हाँ, कहता है ना कि हम लोग परिवार है, हम सारा थाना वाले लोग तुम्हारा करता धरता है, तो करता धरता के दुख का सरोकार है कि नहीं तुम? वहां मैडम सर पर विपत्ति का पहाड़ टूटा पड़ा है, तुम यहाँ जोकराई कर रहा है, इंसानियत घोर के पी गया बाबू। अबे इकबाल, ये उम्मीद ना थी भी तुमसे। हाँ बदना, तो क्या उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी हमसे कि हम भी तुम लोग तरह से मातम मनाए, मुंह लटका के घूमे? अरे मैडम सर तो दुखी है ही, क्या चाहते हो कि हमें दुखी देख के और भी दुखी हो जाएं? कुछ ऐसा करो कि मैडम सर आए तो हमें खुश दिखें और फिर पहले जैसी हो जाएं, अपने गम को भुला सके। माहौल थोड़ा नॉर्मल करो, वही कर रहे थे, उसी की प्रैक्टिस। सॉरी इकबाल, गुस्से में ज्यादा बोल दिया, आई एम सो सॉरी। हम भी सॉरी हैं। ठीक है, छोड़ो ये सब, कुछ सोचो क्या करें हम इसके लिए कि वो पहले जैसी हो जाए। वही करे जो इकबाल तुम कर रहे हो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कुछ भी करके मैडम सर का ध्यान इस घटना से भटकाना ही होगा, इसलिए आज हम उनकी पसंद की खीर बना के लेके आए हैं। कहते हैं खाना और गाना, ये दोनों चीजें इंसान को बड़े बड़े दुख बुलाने में मदद करता है। देखना हमारे हाथ की बनी हुई खीर खाकर कैसे मैडम सर अपना सारा गम भूल जाएंगे। ऐसे ही बस सामान्य माहौल रखना है हमको, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं करना उनके आगे जिससे उनका उनका सगाई का घटना याद आए। जी मैम। जी मैडम। मैडम सर आ गई। शादी ब्याह शहनाई सगाई इसका कोई बात नहीं करेगा। और थाने से परमिशन ली होगी, कई बार लोग शादी से पहले आते नतमस्तक करने के लिए, इस पर बस टाइमिंग गलत है। पूछिए तो सही, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? अपने हाथों से बनाकर लेकर आए हैं काजू की खीर, आपकी पसंदीदा। जा, जल्दी से प्लेट लेकर आ। हाँ, एक मिनट पुष्पा जी, मैडम सर प्लेट में कैसे खीर खाएंगी? ठीक नहीं लगेगा। मतलब प्लेट में कटोरी और चम्मच भी जीते, ऐसे कैसे खाएंगी वो? जा, 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 जल्दी लेकर आ जा। मैडम सर आप बैठिए ना। नहीं हम ठीक है पुष्पा जी। मैडम सर वो सामाजिक सेवा केंद्र से कुछ लोग आए थे, आपकी कानून व्यवस्था और सामाजिक कार्यों में जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। नहीं मतलब हमारे थाना के लिए कितना बड़ा बात है, ये बहुत खुशी का बात है कि हमारा थाना प्रमुख को ऐसा मान दिया जा रहा है, आपको जाना चाहिए। हाँ क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए तो हम खीर बना के लेके आए ना, सबका मुंह मीठा करने के लिए। जीते जा ना जल्दी प्लेट लेकर, कटोरी लेकर आओ जा। हाँ, ला, ला। आप सबका हो गया तो काम की बात करें। संतोष शर्मा, हमने आपसे उस तिलक नगर के जो सास बहू का जो झगड़ा है उस केस की रिपोर्ट बनाने को कहा था, क्या हुआ? रेडी है मैडम सर। ठीक है लेकर आइए। करिश्मा सिंह। जी 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 मैडम सर। वो जो
ज्वेलरी फ्रॉड वाला जो केस है उसके जितने भी विक्टिम्स है उसकी लिस्ट बनाने को बना दी। ठीक है, लेकर आइए। मैडम सर, ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, अंदर चल के बताओ। मैडम सर, खीर पुष्पा जी। ब्रेक रूम का काम हो गया? हाँ, अभी खत्म ही। आज खत्म कीजिए। समझ गए ना? संत जी आ गई, संत। देखिए मैडम, मुझे तो ये समझ आया है कि मैडम सर ना सदमे की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, अब उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। काश संतू जी हम अभी ना उफ ये मासूमियत ऐसा बोल पाते, लेकिन अभी हम उफ ये मासूमियत ऐसा नहीं बोल पा रहे। इसका दो वजह है, पहला ये कि मैडम सर थोड़ी सी सैड है, और दूसरा ये कि हमारे ठीक राइट में ना करिश्मा मैडम खड़ी है। जैसे हम उफ ये मासूमियत बोलेंगे ना, इनका ऐसा उल्टा हाथ पड़ेगा, हमारे लिए दुनिया उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हम उफ ये मासूमियत नहीं बोल रहे हैं। तो बात नाना करके भी चार बार उफ ये मासूमियत तुम बोल चुके हो। क्या बात कर रही है, हम चार बार बोल दिए। उफ, ये हमारा पर्सनल मासूमियत। मैया तुम्हारी मासूमियत की। संतू जी देख रही है ना, संतू जी मार। मैडम सर जो बर्ताव कर रही है ना, वो नहीं चाहती कि हम उनके तकलीफ के बारे में बात करें उनसे। जितना बात करेंगे उन्हें उतना याद आएगा, तो हमें बात नहीं करना है, समझ गए ना? समझ। नहीं, हमको तो लगता है उल्टा बात करनी चाहिए। क्या है, बात करने से मन का दर्द हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। अगर मैडम से बात नहीं करेंगे ना, तो ये तकलीफ उनको अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप अपने जोड़ों के दर्द का जो दवा लेती हैं। अब यहाँ जोड़ों के दर्द की बात कहाँ आ गई बीच में? नहीं, वो आपके वो भगतपुरा वाली सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका? कौन? वो जो ऐसे ऐसी है ना, जो सोडा की बॉटल करके खोल देती दांत से। मैडम हाँ, ऐसी है वो, क्या नाम है उसका? सरला। हाँ, उसको भी जोड़ों का दर्द है, वो भी सेम दवा लेती है। हाँ, लेती है ना। उसका दर्द ठीक हुआ? नहीं ना, कहाँ ठीक हुआ अभी तक, काहे नहीं हुआ। अब काहे, आप बताइए काहे? काहे कि जो दर्द की दवा आप ले रही हैं, एक दवा से सबका दर्द ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है अपने अपने तकलीफ से निपटने का। कोई बोल बोल के अपने जख्म भर लेता है, तो कोई खामोश रह के ना अपने घाव सी लेता है, या तो कोई थप्पड़ मार मार के और घूसे मार मार के। बाप रे बाप, संतू जी आप ऐसे अपना घाव सीती हैं? हम भी ऐसे ही सीते हैं। सीए? नहीं। तो मैडम सर जो हैं वो अपना तकलीफ अपने तरीके से निपट रही हैं, और हमें लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए। समझ गए ना सर? हाँ, समझ गए। तो बस शादी, शहनाई, सगाई, ये सब नाम उनके आगे बिल्कुल नहीं लेने हैं। उनको उनका तकलीफ बिल्कुल याद नहीं दिलाना है। एक्सक्यूज मी। हाँ, की साया? जी कहिए। कल हमारी सगाई थी, हमारी सगाई में हमारा मंगेतर ही नहीं पहुंचा। जिससे प्यार किया था उसी ने हमें धोखा दे दिया। हमें हसीना मैडम से मिला है। मैडम कहाँ है? हमें कंप्लेन लिखवानी है। मैडम सर अपने केबिन में है। ठीक है मैडम जी। हसीना मैडम, मैडम हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो तो ठीक। आप कहाँ थी संतोष शर्मा? हम यहाँ लैपटॉप लेकर। वो मैडम से एनीवेज इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी आप प्लीज बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मैडम कल मेरी सगाई थी, हम मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं।